हेलो एंड वेलकम। अभी 10th अगस्त को वर्ल्ड लायन डे था, लायंस के कॉन्जर्वेशन को लेकर के समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एशियाटिक लायन के कॉन्जर्वेशन की। एशियाटिक लायन आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में पाया जाता है। दुनिया के किसी भी और हिस्से में वन क्षेत्र में एशियाटिक लायन अब नहीं पाया जाता। आप वहाँ के चिड़ियाघरों में देख सकते हो एशियाटिक लायन को। कुछ देशों के पास लायन सफारी है, वहाँ देख सकते हो आप एशियाटिक लायन को। लेकिन अगर वन क्षेत्र में आपको एशियाटिक लायन देखने हैं, देन यू विल हैव टू कम टू गुजरात। आपको गुजरात आना पड़ेगा और गुजरात में गिर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है जो कई सारे प्रोटेक्टेड एरिया से जुड़ के बना है। गिर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ही पूरी दुनिया में एक ऐसा वन क्षेत्र है जहाँ पे आपको एशियाटिक लायन मिलेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक कुमार। पिछले 15 साल से एनवायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। 15 साल से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे द्वारा पढ़ाए गए ऑप्शनल का भी हिस्सा है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के कैंडिडेट्स को भी पढ़ाता रहा हूँ और बाद में ये प्रिलिम के सिलेबस में भी जुड़ गया, तो प्रिलिम के सिलेबस के हिस्से के रूप में भी पढ़ाता रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ एक पसंदीदा एरिया है और बेहद इंटरेस्टिंग एरिया है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहेंगे तो। तो ये एक छोटी सी पहल है मेरी इस प्लेटफॉर्म करियर विल के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हर वीक वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा, तब तक जब तक कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस एरिया में रहेंगे। और उस टॉपिक के ज़रिए दोनों फ़ायदे मैं देखता हूँ। पहला तो ये कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपको बेनिफिट हो सकता है, और दूसरा कि आपका एक इंटरेस्ट भी इस एरिया में वाइल्ड लाइफ के फील्ड में डेवलप होगा, जो कि अपने आप में कंजर्वेशन के नज़रिए से भी ज़रूरी है। और देश के एक यंग नागरिक होने के नाते भी वाइल्ड लाइफ के प्रति आप लोगों का जागरूक और वाइल्ड लाइफ के प्रति आप लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए। तो इन सारे उद्देश्यों से इस छोटी सी सीरीज़ की हम शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत में हम एशियाटिक लायन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो कि अगर हम एशियाटिक लायन कह रहे हैं तो क्या इससे ये सवाल हमारे मन में उठता है कि दुनिया में लायंस की शायद कुछ और भी प्रजातियां हो सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, दुनिया में लायंस की कुछ और प्रजातियां भी हैं। अगर हम लायंस की प्रजातियों की बात करें तो दुनिया में लायंस की एक प्रजाति है जिसको हम अफ्रीकन लायन कहते हैं, और दूसरी प्रजाति है जो है एशियाटिक लायन। अफ्रीकन लायन जैसा कि नाम से जाहिर है अफ्रीका में पाया जाएगा, इसमें कोई भी गेसवर्क की ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। ये अफ्रीका में पाया जाएगा और अफ्रीका के कई देशों में पाया जाता है। नामीबिया एशियाटिक अफ्रीकन लायन का एक बहुत बड़ा सेंटर है, लेकिन आसपास के कई देशों में आप अफ्रीकन लायन पाओगे। वैज्ञानिक नाम जो अफ्रीकन लायन का है वो है पैंथेरा लियो। पैंथेरा जीनस नेम है और लियो स्पीसीज नेम है। और जब हम एशियाटिक लायन की बात करते हैं, जो एक ज़माने में टर्की से लेकर के भारत तक इसका रेंज था और जो आज सिर्फ और सिर्फ भारत के गिर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में सिमट के रह गया है, एशियाटिक लायन के वैज्ञानिक नाम में हम पैंथेरा लियो के साथ हम पर्सिका जोड़ देते हैं। पर्सिका इसलिए क्योंकि ये फारस की खाड़ी से, पर्सियन गल्फ के रीजन से ये अपने भौगोलिक क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ, और धीरे धीरे शिकार के कारण मेनली और वन क्षेत्रों के विनष्ट होने के कारण भी इसका रेंज फिर से सिकुड़ता चला गया। और आज गर्व के साथ और चिंता के साथ, दोनों के साथ हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में एकमात्र वन्य क्षेत्र जहां ये मौजूद है वो है हमारा गुजरात का गिर फॉरेस्ट एरिया। भारत में अब इसको रिलोकेट करने की भी बात चल रही है कि भारत के दूसरे वन क्षेत्रों में भी धीरे धीरे हमें लायन के पॉपुलेशंस को एस्टैब्लिश करना चाहिए, और उस पर हम अभी थोड़ी देर में चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल इसका नाम है पैंथेरा लियो, और इसका नाम है पैंथेरा लियो पर्सिका।
पैंथेरा लियो तो है ही, और पर्सिका का मैंने बता दिया कि उसको पर्सिका क्यों कहते हैं। क्या इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस भी है? पैंथेरा लियो और पैंथेरा लियो पर्सिका के बीच में कुछ डिफरेंसेस तो हैं। अगर आप एक फोटो देखो तो ये है हमारा एशियाटिक लायन। एक चीज़ अगर आप गौर करोगे, हालांकि ये फोटो थोड़ा कटा हुआ है, लेकिन अगर आप गौर करो तो यहाँ पे इसके कान दिख रहे हैं, इसके कान दिख रहे हैं। इसके कान इसलिए दिख रहे हैं कि इसके लायंस के गर्दन पे जो बाल होते हैं, गर्दन के बालों को हम कहते हैं मेन, ठीक है ना, गर्दन के बालों को हम मेन कहते हैं। तो एशियाटिक लायन का जो मेन होता है ना, वो उतना घना और उतना बड़ा नहीं होता जितना कि अफ्रीकन लायन का मेन होता है। तो मेन अपेक्षाकृत छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं लेकिन अफ्रीकन लायन के कंपैरिजन में बिल्कुल छोटा होगा। और ये मेन कम घना होता है। अगेन ये एक कंपैरेटिव बात है कि अफ्रीकन लायन के कंपैरिजन में इसका मेन कम घना होता है। चूंकि कम घना होता है तो इसके ईयर्स जो हैं वो विजिबल होते हैं, दिख रहे होते हैं इसके ईयर्स। इसके बाद एशियाटिक लायन का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसका वजन लगभग 110 किलोग्राम से मैक्सिमम 190 किलोग्राम तक जाएगा। और एक और इसकी दो और विशेषताएं हैं जो मैं आपको थोड़ा बता दूं। एक विशेषता है कि इसके पेट पे, इसके बेली पे एक स्किन का फोल्ड होता है, मुड़ा हुआ स्किन होता है, जो अफ्रीकन लायन में कभी नहीं होता, उसको हम बेली फोल्ड कहते हैं। एक लूज स्किन का एक फोल्ड होता है। तो इसके पास बेली फोल्ड होता है। और एक और इसकी स्वभाव की विशेषता है, ये तो इसके शेप साइज और जो आप देख रहे हो इसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी विशेषताओं की बात कर रहा था, लेकिन इसके अलावा इसके स्वभाव की एक विशेषता ये है कि हमारा एशियाटिक लायन ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही प्राइड में रहे। अब प्राइड क्या होती है आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगी। प्राइड लायंस के पारिवारिक यूनिट को प्राइड कहते हैं। दो से लेकर के 20, कई बार इससे भी ज़्यादा, तो 20 प्लस कर देता हूँ, दो से 20 प्लस लायन एक साथ एक झुंड में रहते हैं। और ये लायन का एक पारिवारिक यूनिट है जिसको हम प्राइड कहते हैं। तो यहाँ पे एशियाटिक लायन की एक स्वभाव की विशेषता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मेल लायन है, जो नर लायन है, वो एक ही प्राइड से जुड़ा रहे। कई बार ये अपने प्राइड को छोड़ करके चला जाता है, जबकि अफ्रीकन लायन के साथ ये चीज़ें नहीं होती। तो अगर यहाँ पे जितना कुछ हमने लिखा है, अगर उसके बेसिस पे हमें अफ्रीकन लायन से अपने एशियाटिक लायन को कंपेयर करना हो, तो हम कहेंगे कि अफ्रीकन लायन आकार में बड़ा होगा, इसका मेन बड़े बालों से और काफ़ी घना होगा, जिसकी वजह से इसका ईयर दिखेगा नहीं। अफ्रीकन लायन का वज़न भी ज़्यादा होता है, 190 से 220 किलो तक होता है। बेली फोल्ड नहीं होती, बेली फोल्ड नहीं होती, और अपने स्वभाव से ये हमेशा ही एक ही प्राइड का सदस्य बना रहेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है अफ्रीकन और एशियाटिक लायन के साथ। बाकी की डिस्कशन हम एशियाटिक लायन तक ही सीमित रखेंगे। ये आप पिक्चर देखो, ये अफ्रीकन लायन है हमारा, अगर आप देख पाओ इसको, तो अफ्रीकन लायन का मेन बड़ा और घना है,
उसकी वजह से अगर आप देखो तो इसके ईयर्स हमेशा विजिबल नहीं होते, क्योंकि इसका मेन बड़ा और घना है। आकार प्लस वजन अधिक है। एक 190 किलोग्राम से अधिक है और आकार में भी हमारे एशियाटिक लायन से ये बड़ा रहेगा। साथ ही साथ कोई बेली फोल्ड नहीं है, कोई बेली फोल्ड नहीं है और ये एक ही प्राइड से जुड़ा रहेगा, ये एक से ज़्यादा प्राइड्स में नहीं जाता है। तो ये है अफ्रीकन लायन। अगर हम लायंस की बात करें तो लायंस एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। इसलिए एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं क्योंकि लायंस का जो ज्योग्राफिक रेंज है वो काफ़ी सिमटा हुआ है, और दूसरी बात यह है कि अफ्रीका में आज भी लायंस के शिकार पे कोई इफ़ेक्टिव कंट्रोल, कोई इफ़ेक्टिव बैन नहीं है। ऑन पेपर बैन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बैन ऑन पेपर ही रहता है। अफ्रीका में आज भी लायंस की हंटिंग होती है और अच्छी खासी संख्या में होती है। वो सिचुएशन इंडिया में नहीं है। इंडिया में कम से कम आप लायन की हंटिंग की ज़्यादा इंसिडेंसेस नहीं सुनोगे। अगर इंडिया में हंटिंग होती भी है तो टाइगर्स की हंटिंग होती है, और लायन की जो हंटिंग है वो हंटिंग बेसिकली रिवेंज किलिंग है। जब लायन और लायन के हैबिटेट के आसपास रहने वाले जो कम्युनिटीज़ हैं, अगर लायन और कम्युनिटी के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है, और ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति तब आती है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन तब आती है जब लायन के द्वारा कम्युनिटी मेंबर के कैटल को, उनकी मवेशियों को मार दिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार रिवेंज किलिंग, बदला लेने के नियत से लायंस को मार दिया जाता है। उसके कई तरीके हैं जो हम आगे थोड़ी चर्चा भी करेंगे, लेकिन अदरवाइज कमर्शियल मोटिव से या सिर्फ मनोरंजन के लिए लायंस की हंटिंग इंडिया में नहीं होती। ऐसी वारदातें सुनने में भी आपको नहीं आएंगी, जबकि अफ्रीका में आज भी इस तरह की वारदातें आपको सुनने में मिल जाएंगी कि कोई शिकारी है जो सिर्फ और सिर्फ अपने रिक्रिएशन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए लायन की हंटिंग कर रहा है, या फिर लायंस के बॉडी पार्ट के व्यापार के लिए भी लायंस की हंटिंग अफ्रीका में होती है। चलो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, और एक और चीज़ जो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि लायन भारत में पाए जाने वाले 5 बिग कैट्स में से एक है। ठीक है, तो इंडिया के पांच बिग कैट्स, 4 पैंथेरा जीनस के हैं, 5 में से 4 पैंथेरा जीनस के हैं और 1 दूसरे जीनस का है। एक मिनट रुक जाएंगे। एक एक दूसरे जीनस का है, जो 4 पैंथेरा जीनस के हैं। मैं पैंथेरा को थोड़ा सा ठीक कर दूं। ये है लायन, टाइगर, लेपर्ड और स्नो लेपर्ड। पैंथेरा जीनस से मतलब है कि इन सब का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा से शुरू होता है। इसका मतलब है कि ये सब एक ही जीनस के सदस्य हैं, और एक दूसरे जीनस का है जो है
क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स में पाया जाएगा। लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ, तो साधारण तेंदुआ, हिम तेंदुआ जो स्नो लेपर्ड है, और क्लाउडेड लेपर्ड जो ग्रे कलर का तेंदुआ होता है, ठीक है ना। तो इन सब का नाम शुरू होता है किससे? इन सब का नाम पैंथेरा से शुरू होता है। लायन के बारे में पता ही है आप लोगों को कि लायन है पैंथेरा लियो पर्सिका, टाइगर है पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस है हमारा सामान्य तेंदुआ, और पैंथेरा अंसिया है हमारा हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। तो ये स्नो लेपर्ड है, ये लेपर्ड है, ये टाइगर है, और ये लायन है। और जो क्लाउडेड लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड है नियोफेलिस नेबुलोजा। शायद ये नाम जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं है। तो जो भी नई चीज़, जो भी नई जानकारी आप तक पहुंच रही हो, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी तरीके से वो आपको फ़ायदा ही देगी। तो ये जो हमारा क्लाउडेड लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड का नाम है नियोफेलिस नेबुलोजा। तो ये हो गए हमारे देश के पांच बिग कैट्स, ठीक है। नियोफेलिस नेबुलोजा, ये था हमारा क्लाउडेड लेपर्ड। अब वापस आ जाते हैं हम लायंस की कहानी पे। और एक समय था जब हमारे देश में लायन पूरे मैदानी हिस्से में फैले हुए थे। अगर हम पूर्व में जाएं तो पूरब में आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल से लेके पश्चिम में गुजरात तक लायंस पाए जाते थे, देयर वॉज अ टाइम। लेकिन दो मेन रीज़न रहे लायंस के विस्तार के कम होने में। पहला मेन रीज़न था लायंस का शिकार। जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत पे, तो उस समय अंग्रेज़ों के अधिकारी, उनका ये एक बड़ा शौक होता था शिकार करने का। और इस तरह के शिकार में भारत के जो स्थानीय शासक थे उनका भी कम योगदान नहीं था। वो भी अंग्रेज़ों के साथ जा कर के और इस तरह के शिकारों में जाते थे, और इस तरह के शिकारों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। तो शिकार एक बहुत बड़ा कारण रहा। और दूसरा एक बड़ा कारण रहा लायंस के हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, मतलब लायंस जिस वन में पाए जाते हैं उस वन का ही, उस वन क्षेत्र का ही विनाश। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भी हमारा देश जब काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा था, तो हमने विकास के लिए बहुत बड़े बड़े वन क्षेत्रों का विनाश किया है, बहुत बड़े बड़े वन क्षेत्रों की कटाई की है, ताकि हम बांध बना पाएँ, ताकि हम इंडस्ट्रीज़ लगा पाएँ, ताकि हम माइनिंग कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, ह्यूमन सेटलमेंट क्रिएट कर सकें, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत सारा हमने लैंड क्लियर किया वगैरह। कुल मिलाकर के समरी ये कि कहीं ना कहीं हमने लायंस के हैबिटेट को कम किया और डायरेक्टली लायन की शिकार की। और उसका नतीजा ये रहा कि लायन पूरे इंडिया में बस एक फॉरेस्ट एरिया में सिमट के रह गया, और वो फॉरेस्ट एरिया था गिर का फॉरेस्ट एरिया। अब आपके सामने मैप है, तो अगर आप मैप में देखोगे तो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके बॉर्डर के अंदर गिर फॉरेस्ट एरिया, गिर प्रोटेक्टेड एरिया आता है, जूनागढ़ और अमरेली। ये दो फॉरेस्टेड एरिया हैं, सदर्न गुजरात में है, दक्षिणी गुजरात में है, और ये अब लायन का एकमात्र हैबिटेट है। लेकिन इस हैबिटेट में सिर्फ ये गिर नेशनल पार्क नहीं है, जैसा कि अभी इस मैप में दिख रहा है,
इस हैबिटेट में और भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं। एग्ज़ाम के नज़रिए से इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ का नाम जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। एक बार मैं आपको इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ का नाम कम से कम बता दूं कि कहाँ कहाँ ये लायन पाए जाते हैं। तो ये है गिर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ठीक है, अब आप देख पा रहे हो। तो जो गिर प्रोटेक्टेड एरिया है लगभग 1650 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसमें गिर नेशनल पार्क है, गिर सेंचुरी है, पनिया सेंचुरी है, मिटियाला सेंचुरी है और मिटियाला सेंचुरी के आसपास जो आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट हैं, वो भी आता है। तो ये सब मिला करके लायन हैबिटेट बनाते हैं हमारे देश के लायन हैबिटेट को। ये चार प्रोटेक्टेड एरिया और इसके आसपास के जो प्रोटेक्ट रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनको मिला करके लायन का हैबिटेट बनता है। तो अगर ये आपके लिए नई जानकारी थी तो आप इसको बिल्कुल से नोट कर लें कि दिस इज़ द स्टेटस। अब हम आते हैं कि इस प्रोटेक्टेड एरिया में लायंस का नंबर कैसे है और किस तरह से बढ़ रहा है ये नंबर। तो लायंस की जो काउंटिंग होती है ना, हम सेंसस की बात कर रहे हैं, आई होप कि ये क्लियरली दिख रहा है। तो सेंसस हर 5 साल पर होता है। 2015 में ये लगभग 525 लायन थे, कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार 550 भी थे, लेकिन 525 का नंबर ज़्यादा रियलिस्टिक है। और जब यही नंबर हम 2020 में देखते हैं तो 674 लायंस हमारे देश में रिपोर्ट किए गए। तो लायंस की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये जो ग्रोथ है इसको हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी तेज़ दर है। काफ़ी तेज़ दर मतलब कि लगभग 26% प्रति 5 वर्ष, हर 5 साल में लायन की पॉपुलेशन लगभग 26% बढ़ी है, जो कि हमारे बेहतरीन कंजर्वेशन की कहीं ना कहीं कहानी कहता है। तो ये लायंस के सेंसस की बात हो गई। अब हम एक चीज़ जो देखने जा रहे हैं कि लायंस की जब इतनी बेहतरीन देखरेख हो रही है तो आखिर लायन के संरक्षण को लेकर के हम ये क्लासी क्यों कर रहे हैं और लायन के संरक्षण को लेकर के अभी भी चिंता थोड़ी क्यों बनी हुई है। अगर चिंता है तो वो चिंता क्यों बनी हुई है, उसके 3 रीज़न हैं, मेन तो 3 ही रीज़न हैं। पहला तो ये है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया हैबिटेट डिटोरिएशन और साथ ही साथ हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन से जूझ रहा है। एक तो गिर प्रोटेक्टेड एरिया, जो ये 4 प्रोटेक्टेड एरिया हैं, इनके बीच से एक रेलवे लाइन जाती है, एक काफ़ी बिजी सड़क गुजरती है, साथ ही साथ कुछ एक पुराने और बहुत आस्था वाले मंदिर हैं जहाँ पे तीर्थयात्रियों का हमेशा आना जाना बना रहता है। और साथ ही साथ जो गिर लायन सफारी है, जो पर्यटक लोगों का जो प्रेशर है वो भी है। तो हैबिटेट जो लायंस की हैबिटेट है, पर्यावास क्षेत्र है, उस हैबिटेट में ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा है। रेलवे लाइन है, एक बिजी सड़क है, कुछ मंदिर हैं जहाँ से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री वहाँ आते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट की कल्पना कर रहे हो तो वो एक अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट तो नहीं रह गया। और लास्टली लायन के लिए भी जो टूरिज़्म होता है, तो लायन के लिए भी जो टूरिज़्म है वो भी इस हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये मेन पहला इशू है जिसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग या फॉलिंग हैबिटेट क्वालिटी, ठीक है।
तो एक तो है कि हैबिटेट की क्वालिटी कम हो रही है, दूसरा क्या है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। जब लायंस की संख्या बढ़ रही है, मैं इसको लिख दूं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो जब लायंस की संख्या बढ़ रही है तो ये तय है कि फॉरेस्ट का एरिया नहीं बढ़ रहा लेकिन लायंस की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसा अक्सर होता है कि लायंस अपने फॉरेस्ट एरिया से बाहर आसपास के एरियाज़ में चले जाते हैं और आसपास के एरियाज़ में जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, ख़ासतौर पे एक ट्राइब है मालधारी ट्राइब, तो मालधारी ट्राइब के जो कैटल होते हैं, उनके जो मवेशी होते हैं, उनको लायन मार देते हैं। और मवेशी का मारा जाना किसी भी फार्मर की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। तो कई बार, कम से कम पिछले 10 साल में आप देखें तो बहुत सारे इंसिडेंसेस रहे हैं जहां पे लायंस की रिवेंज किलिंग हुई है, जहां पे बदला लेने के इरादे से लायंस को मारा गया है। कई बार लायन के रास्ते में कुएं खोद दिए जाते हैं, कई बार जो कुएं हैं उन कुओं के चारों ओर की दीवार गिरा दी जाती है तो लायन चलते चलते कुएं में गिर जाता है, या फिर लायन के पानी पीने की जो जगह है वहाँ पे कीटनाशक मिला दिया जाता है, लायन वो विषाक्त पानी पीते हैं और लायंस की मौत हो जाती है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जिनको हम रिवेंज किलिंग से जोड़ करके देख सकते हैं। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आज की डेट में लायंस की मॉर्टेलिटी का सबसे बड़े रीज़न में एक है। अगर सबसे बड़ा रीज़न नहीं है तो सबसे बड़े रीजन्स में एक तो लायन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, लायन मैन कॉन्फ्लिक्ट तो पक्के तौर पर है। और जो तीसरा फैक्टर है वो ये है कि अगर एक ही प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में हमारे देश के सारे लायन मौजूद हों तो कोई भी डिजीज़ अगर उस प्रोटेक्टेड एरिया में फैलती है या उस प्रोटेक्टेड एरिया में कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होती है, मान लो फॉरेस्ट फायर, मान लो फ्लड की स्थिति बन गई, तो कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होगा, कोई भी डिजीज़ फैलेगी, तो वो एक साथ बहुत सारे लायंस को मार सकती है। और ऐसा हुआ, ऐसा पिछले 2 साल पहले आप याद करो कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस CDV का आउटब्रेक था और एक और डिजीज़ थी जिसको कम कवरेज मिला था, उसका नाम था बैबेसियोसिस। तो बैबेसियोसिस और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, इन दोनों के आउटब्रेक से, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे लिमिटेड लिमिटेड हैबिटेट एरिया। तो लिमिटेड हैबिटेट एरिया की वजह से क्या होता है कि एक तो लायंस की नंबर एक लिमिट के आगे कभी नहीं बढ़ेगी, लायंस का नंबर एक लिमिट के आगे कभी नहीं बढ़ेगी क्योंकि अगर हैबिटेट एरिया, उनका पर्यावास क्षेत्र नहीं बढ़ रहा है तो लायन का नंबर भी एक सीमा के बाद नहीं बढ़ने वाली। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है लिमिटेड हैबिटेट एरिया से, पहला डिजीज का, दो डिजीज हैं, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, CDV इसको कहते हैं, और दूसरा है बैबेसियोसिस। और डिजीज के अलावा एक डर हमेशा ही नेचुरल कैलामिटीज का होता है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, फ्लड वगैरह की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट खतरा है। और ये सब इस वजह से ये खतरा बढ़ जाता है कि देश के सारे लायन एक ही हैबिटेट में हैं। इसको लेकर के एक योजना भी बनी है, वो योजना है लायंस को रीलोकेट करने की, जिसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये लायन के कंजर्वेशन को लेकर के जो इश्यूज़ हैं वो मेनली यही तीन इश्यूज़ आपके सामने हैं। लायन का शिकार भारत में एक बड़ा इशू नहीं है, लायन के कंजर्वेशन के प्रयासों में कोई कमी नहीं है, अगर कमी होती तो लायंस की संख्या इस तरह से हर 5 साल पे 25-26% नहीं बढ़ रही होती।
अब हम बात करते हैं कि लायंस के कंजर्वेशन को लेकर के हाल फिलहाल में क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, उनको अब हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हैं हमारे कंजर्वेशन मेजर्स। सबसे पहला लायन प्रोजेक्ट जो 1970 के दशक से हमारे देश में चल रहा है और 1948 से लेकर के 1972 तक लायन हमारा नेशनल एनिमल था। और 1972 से टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। तो हमारे कंट्री में लायन प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है, साथ ही साथ गिर प्रोटेक्टेड एरिया का, जीपीए का मतलब है गिर प्रोटेक्टेड एरिया, तो गिर प्रोटेक्टेड एरिया का हमने काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट भी किया है। जो भी कुएं वगैरह थे उन कुओं को हमने फिर से बैरिकेड भी किया है, जहाँ पे लोकल्स की भी मदद ली गई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तो काफ़ी एक्टिव रोल अदा की ही। फिर कॉन्फ्लिक्ट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे भी काम हुआ और पोचिंग को रोकने पर भी काम हुआ। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन मेजर तो हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब तक सारे लायन एक ही कंजर्वेशन एरिया में रहेंगे तब तक वो रिस्क बना रहेगा। 2013 में, साल 2013 में लायन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रीलोकेशन की बात कही, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि एशियाटिक लायन के लिए एक अल्टरनेटिव होम, एक वैकल्पिक घर तलाशा जाए। और उसके बाद कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, तो उसको हम लायन हैबिटेट के रूप में हमने आइडेंटिफाई भी किया। कूनो सेंचुरी ही क्यों, उसका रीज़न ये था कि कूनो सेंचुरी एक वक्त में लायन का हैबिटेट था, और चूँकि कूनो सेंचुरी एक वक्त में लायन का हैबिटेट था तो वापस अगर आप यहाँ पर लायन को री इंट्रोड्यूस करेंगे तो लायन के एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए कूनो चुना गया। और पॉपुलेशन की सेफ्टी भी रहेगी और लायंस की धीरे धीरे जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, तो ये सारे फैक्टर्स को लेकर के ये प्लान बनी। लेकिन अभी तक ये प्लान पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी तक ये मटेरियलाइज नहीं हुआ है, लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगी और ये रीलोकेशन सिर्फ कूनो में ही नहीं होगा, दूसरे एरियाज में भी होगा। खैर, इस बीच साल 2018 में, 2018 में एक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फिर से लॉन्च होता है, ठीक है ना। दिसंबर 2018 में लायन का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और पर्पस यही था कि एशियाटिक लायन का कंजर्वेशन भी करना है और साथ ही साथ वो जिस इकोसिस्टम में रहता है उस इकोसिस्टम को भी स्ट्रेंथन करना है। तो ये दोनों पर्पस इस प्रोजेक्ट के थे। और बाद में यही प्रोजेक्ट पिछले साल 2020 में एक नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में एक्सेप्ट हुआ। और इसमें प्लान ये थी कि ये जब 2018 में ये लॉन्च हुआ था तो था कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगा, जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी और 40% जो एक्सपेंसेस होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। और इसमें नए टेक्निक्स की सहायता से, साइंटिफिक रिसर्च की सहायता से डिजीज़ मैनेजमेंट करते हुए, प्रोटेक्टेड एरिया को मैनेज करते हुए और लायन को रीलोकेट करते हुए लायन के पॉपुलेशन को, लायंस के पॉपुलेशन से जुड़े इकोसिस्टम को बिल्ड करने की बात थी, ठीक है ना। लेकिन ईयर 2020 में एक नेशनल प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट, अब उसको हम प्रोजेक्ट लायन एज अ नेशनल प्रोजेक्ट कहते हैं। 15 अगस्त 2020 को बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नेशनल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है। और इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है
और गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट लाइन प्रपोजल बनाया है और केंद्रीय मंत्रालय जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन का मंत्रालय है केंद्रीय मंत्रालय को इन लोगों ने वो पूरी की पूरी योजना भेजी है। तो अब ये एक सेंट्रल प्रोग्राम के तौर पे जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट रन कर रहा है वैसे अब ये एक सेंट्रल प्रोग्राम के तौर पे ये रन करेगा और इस प्रोजेक्ट में अब हमने कूनो के अलावा ये 6 नए साइट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। कूनो के अलावा ये हमारे 6 नए साइट्स हैं, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कूनो तो है ही हमारा नंबर 0 पे, और ये सब हैं लायन रीलोकेशन के लिए। फिर दूसरा है सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान का, तीसरा है मुकुंदरा राजस्थान, चौथा है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, पांचवा है कुंभलगढ़ राजस्थान में, और छठा है जेसोर बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एडजॉइनिंग लैंडस्केप, ठीक है ना, ये है गुजरात में। तो अब एक सेंट्रल प्रोजेक्ट के फॉर्म में ये रन कर रहा होगा और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लायन के कंजर्वेशन को लेकर के अब एक हम नए चैप्टर को देखने जा रहे हैं जहाँ पे हमारे देश के लायंस को रिलोकेट किया जाएगा अलग अलग फॉरेस्ट एरिया में, फिर उन फॉरेस्ट एरियाज को बेहतर मैनेज करते हुए हम इकोसिस्टम को भी बिल्ड करेंगे और लायन के पॉपुलेशन को बिल्ड करेंगे। तो आज लायन जो इंडिया के बस एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में है, धीरे धीरे हम इंडिया के कई सारे फॉरेस्ट में लायंस को देखने जा रहे हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होगी कि अगले 30 से 35 वर्षों में लायन की संख्या भारत में वही होने जा रही है जो आज टाइगर की संख्या हो गई। तो इसी उम्मीद के साथ इस सीरीज के इस पहले वीडियो को हम कंक्लूड कर रहे हैं कि लायन की संख्या भी जल्दी ही 30-35 साल वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन में बहुत लंबा वक्त नहीं होता है, तो जल्दी ही हम देखेंगे कि लायन की संख्या भी उतनी बड़ी है और लायन भी भारत के कई फॉरेस्ट एरियाज में पाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही और जल्दी ही अगले हफ्ते हम एक और वाइल्ड लाइफ के टॉपिक को लेकर आपसे बातचीत कर रहे होंगे। गुड बाई।